हज़त इमामसैन तन हो जब रास्ते में थे और बिन मुकाबले में आ गया और उनके साथ कोफ़ी भी थे तो उस वक्त उनसे मुखातब होकर बताना चाहता हूँ यहाँ आया हूँ क्या है सल्तनत के हसूल के लिए हजरत इमाम हुसैन नहीं आये इकबाल ने कहा मुद्दाश सल्तनत बुदे अगर खुद ना कर दे बात चुनी सामा सफर अगर उनका मकसूद सल्तनत और तख्तो ताज होता तो वो इतने थोड़े अफराद के साथ और बच्चों के साथ यहाँ न आते उनका मकसूद ये नहीं था उनका मकसूद क्या था वो क्यों आए थे ज़रा उनके कलमत सुनिए इससे आपको फ़लसफाए शहादत हुसैन भी समझ में आएगा और इमाम हुसैन रजिय अल्लाह तहो के क्याम का मकसद भी सामने आएगा हम तो यजीद के इसलिए खिलाफ हैं कि उसने इमाम हुसैन जदी अल्लाह तहों को शहीद किया है वो कातिल अहले बैत है लेकिन जब इमाम हुसैन रजिय तन यजीद के मुकाबले में खड़े हुए थे उस वक्त तो वो कातिल अहले बैत नहीं था ये जुर्म तो उसके नामा सया में बाद में आया जब वो खड़े हुए थे तो उनके नजदीक तो ये बात नहीं थी जो हमारे नजदीक है इमाम हुसैन रजियल्लायन का कत्ल करना बहुत बड़ा जुर्म है और इस वजह से भी हम यजीद के खिलाफ हैं लेकिन इसकी दूसरी वजह वो है जिस वजह से इमाम हुसैन यजीद के खिलाफ थे हम भी उसी वजह से यजीद के खिलाफ है अब वो क्या वजह थी जो इमाम हुसैन रदी अल्लाह तुने बयान फरमा ये कोई वजह नहीं है के जमाने तक पहुंची नहीं है यह अलग बात है कि करबला को एक कहानी और एक किस्सा बना करके जो है वो लोगों के अंदर मुरवज किया गया और इसकी मानवियत इसकी हकीकत और इसकी मकसदियत पर पर्दे आ गए सुनो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ने क्या फरमाया अत शैतान मैं इसलिए खड़ा हुआ हूँ इसलिए मैदान अमल में मौजूद हूँ बच्चों बूढ़ों और जवानों के साथ दूध पीते शीर के साथ मैं इसलिए मैदान अमल में आया हूँ और पूरी यजीदियत कद लाजमूता आता शैतान इन्होंने शैतान की अतात को कबूल कर लिया है व ताराकूता आता रहमान और रहमान की अतात को तर्क कर दिया है अब जब रहमान की अतात को तर्क कर दिया जाए और शैतान की अतात को लाजम कर लिया जाए तो हुसैन फिर भी ना खड़ा हो तो फिर नबी के लुआब का और फातमा के दूध का असर नजर कब आएगा अल्लाह अकबर अहले बहत को सफीना नूह की मिसाल करार दिया और वो कश्ती है और जब तूफान आएंगे तो कश्ती उस वक्त काम देगी अगर कोई फौज में भर्ती हो और जब जंग लगे तो उस वक्त वो छुट्टी पे चला जाए तो ये सवाल लतीफे क्यों क्या हो सकता है जब हुजूर ने अहले बैत को कश्ती करार दिया तो जब उम्मत पर तूफान आया और शैतनत पूरे जौबन पर आई अगर ये कश्ती आज नहीं काम आना था तो फिर कब काम आना था इसलिए हुसैन अली को इस वक्त खड़ा होना पड़ा इसलिए कि कश्ती ने तूफानों में ही तो काम आना है और तूफान तो बिफर चुके हैं उन्होंने कद लाजिंग शैतान शैतान की अतात को लाजम कर दिया था बतारा रहमान और रहमान की अतात को तरक कर दिया था व अजहरफसाद और फसाद बपा हो गया था वत्तलहुदूद हदूद शरीन कोतल कर दिया गया है वह हराम व हरमू हलाू अल्लाह ने जिन चीज़ों को हलाल किया है इसने हराम कर दिया और जिसको उसने हराम किया इसने उसको हलाल कर दिया अब ये हैं यजीद के करतूत ये है उसका अमल हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया मुझे बताओ जब मेरे रसूल की शरीय पमाल हो रही हो हलाल को हराम कर दिया जाए हराम को हलाल कर दिया जाए हदों को मअतल कर दिया जाए और फसाद बपा हो जाए शैतान की अतात खुले बंदों की जाए रहमान की अतात तरक कर दी जाए तो जिसके पास कश्ती है इस तूफान तो में क्या वो अब भी मैदान अमल में नहीं आएगा तो कहा हुसैन इबन अली इसलिए आया है कि इस वक्त हुसैन इबन अली का ही आना बनता था इसलिए कि पैगंबर की गोद में हुसैन इबन अली थी ही थी तो खेला था इसलिए आज हुसैन इबन अली मैदान अमल में मौजूद है अल्लाह अकबर यह था मकसद हजरत इमाम हुसैन अल्लाह तुका न तख्तो ताज की चाहत थी ना कोई बगावत थी और ना जल्दबाजी का नतीजा था बल्कि बहरे हक दर खा को खूं गलती दास मकसूद हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह का हक के लिए खाको खून में अपने आप को मिलाना था पस बिना ला इला गर्दी दास और ला इला की बिना को हजरत इमाम हुसैन ने कर...